ये अस्सलाम वालेकुम, सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आज हमारा यहाँ विज़िट जो है वो नासिर हुसैन कुरैशी जो एमपी हैं उनकी दरख्वास्त पे और पिछली कई नशस्तें उनके साथ होने के बाद अब उनकी दरख्वास्त और एमएनए सलाहुद्दीन साहब और दूसरे मोहतरम हजरात साबिर कायम खानी साहब, तो हमसे मीटिंग होती रहती हैं और फिर हम एक लायबल तैयार कर रहे थे। आज वो अपनी अपनी असम्बलियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं इस काम के लिए निकल आया उनकी आशीर्वाद के बाद कि भाई हम आपके इलाके में चलते हैं और देखते हैं कि इसको क्या बेहतरीन काम करें। तो मुझे आके यहाँ खुशी हुई कि हमें हमारे काम को सराहा जा रहा है और अवाम का इतना तआवुन हासिल है कि पहले मैं आते हुए शायद डर रहा था कि पता नहीं अवाम हमारी मुखालिफ हो जाएगी, तो लेकिन मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही है कि यहाँ की अवाम हमारे अमले के साथ किस तरह मतलब मिल के जो है अपने, तो हमें ट्रांसफार्मर को बचाना है। आए दिन ये जो जलने के वाकयात हैं और ये भी शिकायत हैं कि प्राइवेट तौर पे पैसे दे के बनाया जा रहा है, इंशाल्लाह इस बुराई को इस लानत को हम ख़त्म करेंगे। ट्रांसफार्मर को कैसे सेव करेंगे? अगर हम नया ट्रांसफार्मर लगाते हैं 3 दिन में वही लोड होता फिर जल जाता है, तो अब अगर आप ये नाजायज़ कुंडे हमारे हटाने में मदद करेंगे तो फिर कैसे उड़ेगा वो? हाँ, एक वक्त आएगा अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं होगा राइट, तो फिर क्या होता रहेगा? उस बुराई को कैसे ख़त्म करना है, उस लानत को कैसे ख़त्म करना? कोई चंदा ना दें आप, ठीक है, हमारे से रब्ता करें, अपने एमपीए से रब्ता करें, एमएनए से रब्ता करें, हम तक वो बात पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह मसला हल करेंगे। चंदा देना ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं देना, कोई मांगने आए नहीं देना, क्यों दें भाई? इसको देगी ना आपको, ठीक है, लेकिन उसकी हिफाजत तो आप करें ना, हिफाजत आपका भी फर्ज है कि जी हिफाजत लगाना, लोगों को रोको, कुंडा लगा वो आके अगर मुअज्जिज़ बनने की कोशिश करता है तो उसको कहें भाई साहब आपके घर कुंडा तो नाजायज़ लगा हुआ है, राइट, तो वो फिर मतलब मुअज्जिज़ होने के लायक ही नहीं है राइट, अगर चोरी कर रहा है राइट।